वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान इंडिया क्या क्लैशेस होने जा रहे हैं इन एशिया कप एंड इन वर्ल्ड कप। एशिया कप में दो तो हैं कंफर्म के, दो क्लैशेस पाकिस्तान इंडिया के होंगे और तीसरा भी हो सकता है इफ़ पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। और वर्ल्ड कप में भी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है, तो इस हवाले से सोशल मीडिया पे फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं और एक्स क्रिकेटर्स से भी इस बारे में बहुत से सवालात किए जा रहे हैं, तमाम पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, और हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है इस पे। अनिल कुंबले ने कहा कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि जियो या मरो, बस पाकिस्तान से नहीं हारना, कीनिया से हार जाओ, कोई भी छोटी टीम से हार जाओ, बट नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये माइंडसेट होता था। और बट अब है कि वो चेंज हो गया है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है और इसको एज अ नॉर्मल मैच ही लेना चाहिए। इतना बड़ा जो मीडिया हाइप क्रिएट कर देता है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर ही प्लेयर्स पे क्रिएट होता है। तो मैं भी उनकी बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया वर्सेज पाकिस्तान अच्छे थ्रिलिंग मैचेस होते हैं, लोग इसलिए उनका वेट करते हैं और राइवलरी है, बट नॉट दैट काइंड ऑफ जो मीडिया हाइप क्रिएट कर देता है कि बड़ा मुकाबला, महा मुकाबला एंड बड़ा टाकरा और जंग और पता नहीं क्या क्या, किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो अब आई बिलीव कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी अब जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफ़ी मेच्योर हो गए हैं एंड काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि अब इस तरह की मैंटेलिटी नहीं है कि जियो या मरो, इंडिया से जीतना ही है एंड ऑल दैट। अब यही है कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज अ गेम और वन टीम हैज़ टू लूज, अगर दो टीमें खेल रही हैं, वन टीम हैज़ टू लूज, वन टीम हैज़ टू विन, एंड हम भी वो लूजिंग टीम हम भी हो सकते हैं खुदा न खास्ता, तो इट डजेंट मैटर, इट्स अ गेम और गेम में तो एक को जीतना है एक को हारना है। और यही है कि इतनी हाइप क्रिएट नहीं करनी है, इतना इमेंस प्रेशर एक्सपेक्टेशंस का और परफॉर्मेंस का प्लेयर्स पे नहीं डालना है, बिकॉज इट्स जस्ट अनदर गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स नॉट अ बिग है कि क्लैश, इट्स नॉट दैट बिग जितना बिग उसे मीडिया बना देता है। और ये जस्ट इसको वैसे भी जस्ट अनदर गेम ऑफ क्रिकेट के ही लेना चाहिए और पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ये जो है मेंटालिटी चेंज हो रही है लोगों की कि या इट्स नॉट अ बिग क्लैश, इट्स जस्ट अनदर गेम ऑफ क्रिकेट। और बाबर आजम से भी इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम इंडिया के से खेलने नहीं जा रहे वर्ल्ड कप, हम इंडिया में खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप में हमें और भी बकिया टीमों से मुकाबला करना है, तो हम जब नॉट जस्ट अगेंस्ट इंडिया, हम सारी टीम्स के अगेंस्ट अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ही हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो यही नैरेटिव है। आप शादाब खान का भी एक आया था बयान कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेन मैच ऑब्वियसली है, इसका प्रेशर भी होता है, बट हम इसे है कि इतना ज़्यादा वो नहीं, हमारी आय जो है वो वर्ल्ड कप पे है, नॉट जस्ट जस्ट विनिंग अगेंस्ट इंडिया। तो ये नैरेटिव जो है ये अच्छा है और ये अब फैंस में भी है कि काफ़ी मैं कहूँगी कि आ गई है मेच्योरिटी कि वो भी एज अ गेम ऑफ क्रिकेट इसको लेते हैं, नॉट लाइक वॉर, और इसी तरह से लेना चाहिए। और यही असल जो है वो क्रिकेट को एंजॉय करने की है कि चीज़ है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप पर सवार कर लो, प्लेयर्स पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालो कि जीतना ही जीतना है एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के हाथ में एफर्ट्स हैं, हारना जीतना तो उनके हाथ में नहीं है, वो एफर्ट्स डालेंगे, वही बात है कि ऑन द गिविंग डे जो अच्छा खेलेगी टीम वो विन करेगी। और यही चीज़ आई बिलीव सही है। व्हाट डू थिंक अबाउट इट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।